keep your personal life private don't advertise your happy marriage on social media don't advertise your kids achievements on social media don't advertise your expensive buys on social media <laughs> reality is not everyone is going to be happy for you most of the nice comments you get are just fake you will only attract the evil eye on you and your family you are attracting jealous people in your life

कनक धारा श्रोत का पाठ व्यक्ति की सभी आर्थिक परेशानियों को दूर करता है वर्तमान दौर में धन की आवश्यकता हर किसी को है ऐसे में यदि श्रद्धा पूर्वक कनक धारा स्रोत का पाठ करता है तो उसे शुभ फल अवश्य प्राप्त होते हैं आज हम इस लेख में इसी श्रोत के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी पूजन विधि के बारे में जानकारी देंगे इस स्रोत का पाठ करने से व्यक्ति को सभी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है इसका पाठ करने की विधि इस सूत्र तो का पाठ शुक्रवार के दिन करना शुभ माना जाता है यह वार शुक्र देव को समर्पित है जो वैभव सांसारिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह माने जाते हैं कनक धारा चोट तो का पाठ करने से पहले घर में कनक धारा चोट तो की स्थापना कर लेनी चाहिए शुक्रवार के दिन से गंगा से शुद्ध करने के बाद इस यंत्र को अपने पूजा स्थल में स्थापित करना चाहिए इसके बाद शुद्ध मन से इस का पाठ करना चाहिए पाठ करने के उपरांत माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए और उनसे मनोकामना करनी चाहिए कनक धारा स्त्रोत से जुड़ी पौराणिक कथा इस स्रोत का इस से जुड़ी पौराणिक कथा आदि शंकराचार्य से संबंधित है कथा के अनुसार एक बार आदि गुरु भोजन की तलाश में थे और लोगों से भिक्षा मांग रहे थे लेकिन किसी ने भी उनको भिक्षा नहीं दी अंत में थक हार कर वहा एक ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचे और उससे भी भिक्षा मांगी ब्राह्मण भिक्षा देना तो चाहता था लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं था उसने केवल एक आंवला भिक्षा में आदि शंकराचार्य जी को दे दिया ब्राह्मण की अवस्था को देखकर शंकराचार्य जी को दया आई और उन्होंने उसकी दरिद्रता को खत्म करने के लिए माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप शुरू कर दिया माना जाता है कि इसके बाद ब्राह्मण के आंगन में स्वर्ण के आवलों की वर्षा होने लगी आदि शंकराचार्य जी ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जिन मंत्रों का जाप किया था उन्हीं से कनक धारा सूत की उत्पत्ति मानी जाती है कनक धारात का अर्थ इस संक्षिप में सभी मंगल कार्यों की अधिष्ठात्री अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी की स्तुति की जाती है इस स्त्रोत का पाठ करके व्यक्ति महालक्ष्मी की कृपा पाने की कामना करता है जो देवी इंद्र आदि देवताओं को भी देती है। उनकी दृष्टि का जाप करने वाले पर भी हो, यह कामना की जाती है। भगवान विष्णु की अर्धांगनी माता लक्ष्मी की कृपा हो और वह हमारे जीवन के विषादों को दूर करे शुभ कर्मों का फल देने वाली माता हम पर भी अपनी कृपा बरसाए इसकी कामना कनक धारा स्रोत के जप में की जाती है इस स्त्रोत का पाठ जो भी करता है वहां लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पाता है और अत्यंत सौभाग्यशील और विद्वान हो जाता है धन वैभव की प्राप्ति के लिए करें कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और जीवन में धन संपदा और वैभव प्राप्त करने के लिए कनक धारा का पाठ करना अति शुभ माना गया है। इस दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति को समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है जिस तरह आदि गुरु शंकराचार्य ने इस सूत्र का पाठ करके निर्धन ब्राह्मण को धनवान बना दिया था उसी तरह आज के दौर में भी यदि इस ईश्वर का पाठ किया जाए तो जीवन की कई समस्याएं दूर की जा सकती हैं। इस स्त्रोत्र का पाठ शुक्रवार के दिन करना सबसे शुभ माना गया है कुछ वक्त तक इसका पाठ करने से धीरे धीरे धन से जुड़ी समस्याएं दूर होने लगती हैं। कनक धारा स्त्रोत्र अंग हरे पूलक भूषण माश्यंती भ्रंगांग ने मुकला भरणम तमालम अंगीकृता खील विभूति रंपांग लीला मांगले मम मंगल देवताया हिंदी में इसका मतलब है जैसे भवरे अध खिले पुष्पों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आशय लेते हैं उसी प्रकार जो भगवान विष्णु के अंगों पर सदैव पड़ती रहती है जिसमें सभी ऐश्वर्या का निवास है संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री भगवती देवी महालक्ष्मी की वहा कृपा दृष्टि मुझ पर मंगलदायी हो इसमें कुछ और संस्कृत के श्लोक लिखे हूं, उनको मैं नहीं पढ़ रही हूँ मैं डायरेक्ट हिंदी में आ रही हूँ जैसे भ्रमरी और भवरे कमल के पत्तों पर मंडराती मंडराते रहते हैं उसी प्रकार जो भगवान हरि के मुखार विंद की ओर प्रेम पूर्वक जाकर लज्जा के कारण लौट आती है समुद्र कन्या देवी लक्ष्मी की वहां मनोहर दृष्टि मुझे धन संपत्ति प्रदान करे जो संपूर्ण देवताओं के राजा इंद्र के पद का वैभव विलास देने में सामर्थ है श्री भगवान हरि को आनंदित करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर दिखाई पड़ती है उन देवी लक्ष्मी के अत खुले नेत्रों की क्षण भर के लिए मुझ पर भी अवश्य पड़े जिसकी पुतली एवं भवे काम के वशीभूत अर्थ विकसित एक तक नैनो को देखने वाले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान मुकुंद को अपने सन्निकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती हैं ऐसे शेष शेशा, भगवान विष्णु की अर्धांग्नि श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें प्रभु धन संपत्ति प्रदान करने वाले हों जिन श्री हरि के कौस्तु मणि से वशीभूत वक्ष स्थल में इंद्र नीलमय हरावली के समान सुशोभित होती है तथा उन भगवान के भी चित्त में काम अर्थात इसने फैलाने वाली कमल देवी लक्ष्मी की कटाश माला मेरे, मेरा मंगल करे जिस प्रकार मेघों की घटा में बिजली चमकती है उसी प्रकार कैटव दैव के शत्रु भी विष्णु भगवान के काले मेघों के समान मनोहर वक्षा स्थल पर आप विद्युत के समान दे मान होती है तथा जो समस्त लोगों की माता भार्गव पुत्री भगवती श्री लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे समुद्र कन्या लक्ष्मी का वहा मंदालस मंथर अर्थोन्मिलित चंचल दृष्टि के प्रभाव से कामदेव ने मंगल मूर्ति भगवान मधुसूदन ने हृदय में प्राथमिक और मुख्य स्थान प्राप्त किया था वही दृष्टि यहाँ मेरे ऊपर पड़े भगवान नारायण की प्रेमिका लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दाय रूपी अनुकूल वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी धाम को दीर्घ काल के लिए परे हटाकर विषाद ग्रस्त तीन दुखी सादृश्य दृश्य जातक पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करे मतिमान मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को अन्नायासी ही प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं कमल उन्हीं कमलासना कमला लक्ष्मी की वहां विकसित कमल गर्भ के सदृश कांति मत दृष्टि मुझे मनो अभिलाषित पुष्टि संत्यादि वृद्धि प्रदान करे जो भगवती लक्ष्मी वृष्टि क्रीड़ा के अवसर पर वाग देवता अर्थात ब्रह्म शक्ति के स्वरूप में विराजमान होती है और पालन क्रीड़ा के समय पर भगवान गुरुण ध्वज अथवा विष्णु भगवान सुंदरी पत्नी लक्ष्मी और वैष्णवी शक्ति के स्वरूप में स्थित होती है तथा लीला के समय शांकम भरी भगवती दुर्गा अथवा भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में विद्यमान होती है उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु भगवान विष्णु की नित्य यौवन प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है है लक्ष्मी शुभ कर्म फलदायक श्रुति स्वरूप में आपको प्रणाम है रमणीय गुणों के समुद्र स्वरूपा रति के रूपा में स्थित आपको नमस्कार है शत पत्र कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा रमा को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम श्री हरि की अत्यंत प्राण प्रिय पुष्टि रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है